अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हमारे एक इस्लामी भाई का ये सवाल आया हुआ था कि क्या अजान के वक्त लेटरिन जा सकते हैं या नहीं, या इस्तिंजा के लिए अजान के वक्त जा सकते हैं या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आज इंशाल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताऊँगा कि क्या अजान के वक्त लेटरिन के लिए या इस्तिंजा के लिए जा सकते हैं या नहीं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, अजान के वक्त लेटरिन जाना ये मना है ना, मना किया गया है। मुनासिब नहीं है कि कोई शख्स अजान के वक्त लेटरिन जाए, इसलिए कि अगर जब अजान हो रही हो और आप लेटरिन को जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप लेटरिन में या इस्तिंजा खाना में अजान का जवाब आप नहीं दे सकते हैं। और जब कोई अजान का जवाब नहीं देगा तो समझ लीजिए कि अजान का जवाब देने में बहुत बड़ा सवाब है, तो आप इस सवाब से महरूम हो जाएंगे। इसलिए अजान के वक्त जो है इस्तिंजा के लिए या लेटरिन के लिए जाने से मना किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जिन्हें अजान के वक्त जो है वो बाथरूम की लेटरिन जाने की शदीद हाजत अगर महसूस हो तो फिर वो जा सकते हैं। अगर कोई चला गया तो गुनहगार नहीं होगा, है ना। अगर कोई चल गया अजान के वक्त लेटरिन या इस्तिंजा तो फिर वो गुनहगार नहीं होगा, मगर बेहतर और मुनासिब ये है कि अजान के वक्त में लेटरिन या इस्तिंजा ना जाए। इसलिए कि आप लेटरिन या इस्तिंजा के लिए अगर आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप अजान के जवाब देने से महरूम हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ी महरूमी है, आप एक बहुत बड़े सवाब से महरूम हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको हाजत ना हो या अगर आप कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर बेहतर यह है कि अजान ख़त्म हो जाए, आप जवाब वगैरह से जब फारिग हो जाएं उसके बाद ही आप बैतुलखला लेटरिन को जाएं या इस्तिंजा के लिए जाएं। तो अगर कोई चला गया तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन बेहतर और मुनासिब यह है कि अजान के वक्त में ना जाए। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को मुकम्मल समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।